गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं चैप्टर संसद। तो करते हैं स्टार्ट भारत की संसद। भारत की संसद प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारतीय संसद हमारे संविधान में आर्टिकल 71 में है। भारत की संसद के दो तो सदन होते हैं और पार्ट होते हैं तीन। लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन, जो होता है आर्टिकल 81। राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, जो होता है आर्टिकल 80 के अंतर्गत। थर्ड है राष्ट्रपति, संसद के स्तर को बुलाता है। संसद क्या होती है? पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। पार्लियामेंट कौन से भाषा से लिया गया? फ्रेंच से। संसद के तीन अंग या पार्ट होते तथा दो सदन होते हैं। भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियस व हर्बर्ट बेकर ने किया था। संसद की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी है। संसद के स्तर होते साल में तीन बार। पहला होता बजट स्तर फरवरी से मई तक, मानसून स्तर जुलाई से सितंबर तक, शीतकालीन स्तर नवंबर से दिसंबर तक। तीन होते कौन से? बजट स्तर, मानसून स्तर और शीतकालीन स्तर। सबसे पहले पढ़ते लोकसभा, इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। इसे यह नाम 1954 में दिया गया। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त स्तर की अध्यक्षता करता है। यह जनता का सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन वे युवाओं का सदन आदि लोकसभा के अन्य नाम है। ये नहीं कि इसका जो सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाए, 5 वर्ष से पहले भी उनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। कार्यकाल होता ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष के लिए, दोबारा भी चुने जा सकते हैं, बट एक टाइम के लिए उनका कार्यकाल होता 5 वर्ष, उससे पहले भी उनको उसके पद से हटाया जा सकता है। इसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। 1954 में दिया गया ये नाम। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त स्तर की अध्यक्षता करता है। यह जनता का सदन होता है, प्रथम सदन होता है, अस्थायी सदन होता है, युवाओं का सदन आदि लोकसभा के अन्य नाम है। अगर इनमें से कोई भी नाम पूछा जाए तो आपको लोकसभा के बारे में ही बताना है। अब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता है क्या क्या होनी चाहिए? तो पहली होनी चाहिए भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु कम से कम क्या हो? 25 वर्ष हो। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है, दो कम है 543 है। हकीकत में कितने? 543। 530 तो है राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। राज्यों में से 6 कम हुए, 524, तो केंद्र शासित प्रदेशों में 6 ऐड हो गए हैं, क्योंकि कुछ वे थे जो संसद के सदस्य थे, वे राज्यों की संख्या कम होने से केंद्र शासित प्रदेशों में बट गए हैं, तो उसके कारण 6 सांसद तो राज्यों से हट गए और वे कहाँ जुड़ गए? केंद्र शासित प्रदेशों में। तो टोटल है 543, 524 तो राज्यों से हैं, 19 है केंद्र शासित प्रदेशों से। क्योंकि जम्मू कश्मीर के 5 तथा लद्दाख के 1 को केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल कर लिया गया, जो ये कि ये 6 कहाँ से? 5 जम्मू कश्मीर से, 1 लद्दाख से। लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो होती है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सरकार, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व बिना विभाग के मंत्री होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हटाने, हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। यह एक स्तर में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा, 50 सदस्यों के समर्थन के साथ एक केवल लोकसभा में रखा जाता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो लोकसभा में विपक्ष द्वारा रखा जाता है, ताकि लोकसभा में हराने या कमजोर करने की उम्मीद से जो सरकार बनी है उसके विपक्ष में जो होता है तब अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है।
सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें कम से कम, जब संसद का स्तर चल रहा है तो कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होने जरूरी है, चाहे राज्यसभा के हों। इसे गणपूर्ति कहते हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमारी। पहले अध्यक्ष थे जीवी मामलेकर, वर्तमान में ओम बिड़ला। राज्यसभा, इसे उस सदन भी कहते हैं, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट भी कहते हैं, चर्चित लोगों का सदन भी कहते हैं, शिक्षकों का सदन भी कहते हैं, द्वितीय सदन है, स्थायी सदन है, बड़ों का सदन है, ये सब क्या है? राज्यसभा के नाम। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं, अतः यह कभी भी भंग नहीं होती है। इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन या परमानेंट हाउस कहते हैं। इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति कौन होता है, तो आंसर होता है उपराष्ट्रपति। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, तो आंसर होगा नहीं। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से ही राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए? भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 23 वर्ष हो, राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 238 राज्य तथा और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा से नियुक्त किए जाते हैं। मतलब जो कला में कुछ अच्छा काम किया, विज्ञान में, साहित्य में, समाज सेवा में किए हुए, तो वहाँ से जो अच्छा काम किए उनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। वर्तमान में 233 तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 जो राष्ट्रपति चुनता है उनमें से। 2 अन्य योग्यता जो लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य दोनों के लिए होनी चाहिए, वे सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पागल व दिवालिया ना हो। ये दोनों कंडीशन है किसके लिए? राज्यसभा और लोकसभा के लिए। अब लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, चुनाव में जनता भाग लेती है, कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, चुनाव में विधायक MLA भाग लेते हैं और राज्यसभा का चुनाव होता है 6 वर्ष के लिए। लोकसभा को 9 बार समय से पहले ही भंग किया गया है बाय NCERT के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आज तक लोकसभा को कितनी बार ही भंग किया जा चुका है, तो वो आएगा 9 बार। अब लोकसभा के पदाधिकारी आर्टिकल 93 के अंतर्गत आते हैं। इसके 2 होते अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पदाधिकारी 2 होते अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका काम लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे। अध्यक्ष या स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेनी पड़ती। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार, लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना। लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार क्या है? लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होता है। अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 7 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा का
पदाधिकारी आर्टिकल 89 के अंतर्गत आते हैं। इसके भी दो होते हैं, सभापति और उप सभापति। वर्तमान में सभापति है श्री जगदीप धनखड़, उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह। सभापति की अनुपस्थिति में उप सभापति उनका कार्य करेंगे। सभापति उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे तथा उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देगा। पहले सभापति थे राधा कृष्णन, पहले उप सभापति थे एस वी कृष्ण मूर्ति राव। संसद की समितियाँ हैं लोकसेवा समिति, निर्णय समिति, विशेषाधिकार समिति, कथक समिति। कुछ महत्वपूर्ण बातें, संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। अगर पूछा जाए संसद का केंद्रीय तत्व क्या है तो है संविधान। संविधान का केंद्रीय तत्व क्या है? संसद। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम के इस्तेमाल किया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। संसद के स्तर का पहला भाग प्रश्नकाल होता है। वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 बच्चों के अधिकारों की को प्राथमिकता के चार प्रमुख क्षेत्रों अर्थात उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण, भागीदारी में वर्गीकृत करती है। राज्य विधानसभा चुने हुए विधायकों जिन्हें एमएलए कहते हैं के समूह से बनती है, जबकि संसद लोकसभा सांसदों एमपी के समूह से बनती है। आर्टिकल 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्रदान की गई है। आर्टिकल 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। इसके द्वारा राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। आर्टिकल 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ें। अगर आपको बाकी की वीडियो देखनी है तो आप गीता ठाकरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।